साहब ये जानना कि अचानक से ऐसा क्या हो गया आप ऐसा नहीं है कि पहली बार जा रहे थे यूके आप बहुत बार जा चुके हैं उसके बावजूद आपसे आप, आप सताए लगा है यूके को तो खतरा क्यों मैं यूके काफी बार जा चुका हूँ पंद्रह साल से जा रहा हूँ और दस बार से ज्यादा जा चुका हूँ और मैं कई तकरीर कर चुका हूँ यूके के अंदर लंदन में बोमिंग में मैनचेस्टर में ब्रेडफोर्ड के अंदर ग्लासगो बहुत से बार गया लेकिन हर बार जब मैं जा रहा हूँ तो और पॉपुलर होते जा रहा हूँ माशाल्लाह तो तादाद मेरी लेक्चर की बढ़ती जा रही है 93 में गया तो कुछ थे तकरीबन हजार जब टू थाउजेंड में जाने लगा तो हो गए फ्यू थाउजेंड्स अभी टेन्स थाउजेंड माशाला हजारों की तादाद में जितने बढ़ते जा रहे लोग मेरे अमन का पैगाम सुनने के लिए क्यों उन्हें मुझसे खतरा महसूस हो रहा है आप उनसे ही पूछ सकते लेकिन जाकिर साहब अगर बात की जाए आ, आपके इस बार जो आपको नोटिस आया है ये यूके से आपको जो ये नोटिस दिया है कि आप उस अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं लेकिन आप कितना इस इसके अंदर जो थे या इसके अंदर जो चार्जेस आपके ऊपर लगाए लगाएंगे वो है क्या ये जानना चाहेंगे विस्तार से आ, मुझे कॉल आया था डिप्यूटी हाई कमीशन यूके से उन्होंने कहा क्योंकि मैं लेक्चर टो होने वाला था यूके के अंदर काफी पब्लिसिटी हो चुकी थी और एक प्रेस संडे टाइम्स ने थर्टी मे को एक शाया के आर्टिकल टीचर ऑफ एट लेटेन टू ब्रिटेन और उस पर दबाव था कि ये आदमी दहशत फैलाता है और औरतों के खिलाफ है उसे ब्रिटेन में नहीं आने देना चाहिए इस मीडिया रिपोर्ट के बुनियाद पे 17 जून को मुझे कॉल आया डिप्यूटी हाई कमीशन से और वो कहने लगे क्या होम सेक्रेटरी ऑफ यूके ने एक एक्सक्लूजन ऑर्डर आपको दिया है आप उसको आके लीजिए तो मैंने मैनेजर को भेजा उसमें लिखा था कि 16 जून को होम सेक्रेटरी ने कहा कि आप यूके नहीं आ सकते और कहा कि हमें कुछ आपके तकरीर के पैसेजेस से एतराज है और उनने अपने लेटर में चार पैसेजेस कोट किए और मैं कहूंगा उनमें से एक था कि उन्हें एतराज है मेरे तकरीर पे और कोट किए इनवर्ट कॉमास कॉमर्स एज फार एज टेरिस्ट इज कंसर्न आई टेल द मुस्लिम दैट एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेरिस्ट वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेरिस्ट terrorist by definition means a person who terrorizes. when a robber sees a policeman, he is terrified. so for a robber, a policeman is a terrorist. so in this context, every muslim should be a terrorist to every antisocial element. i am aware that terrorist more commonly is used for a person who terrorizes an innocent person. in this context, no muslim should even terrorize a single innocent human being. <laughs> कि हर मुसलमान दहशत गर्द होना चाहिए और ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन जब मुझे कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के साथ कोर्ट कर रहे और कह रहे कि जाकिर कहता है कि दहशत उसे कैसे है जो एक इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है मिसाल के तौर पर जब एक चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होती है तो उस चोर के लिए पुलिस मैन दहशतगर्द है इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी पस मंजर में हर मुसलमान चोर के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए हर मुसलमान जो एंटी सोशल एलिमेंट है जो समाज के खिलाफ है उनके दिल में दहशत पैदा करना चाहिए हर मुसलमान दहशतगर्द होना चाहिए फिर मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है इस पस मंजर में इस कॉन्टेक्स्ट में एक भी मुसलमान कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए ये साफ है उन लोगों को इस बात पे एतराज है कि मैं कहता हूं कि कोई भी मुसलमान कोई भी मासूम इंसान के दिल में दहशत नहीं पैदा करना चाहिए तो मैं ये जानना चाहता हूं इसके अंदर क्या गलत क्या मैंने और एक सेंटेंस उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है और इसमें कोर्ट किए हाउ कैन कोर्ट किए कि मैं जो कहता हूं उसके ऑब्जेक्शन है हाउ कैन यू एवर जस्टिफाई किलिंग इनोसेंट पीपल बट इन द सेम ब्रेथ

तो क्योंकि मैंने कहा कि जो लोगों ने हजारों बेगुनाह की हत्या की इराक अफगानिस्तान और लेबनान में उनके खिलाफ हमें ऐतराज करना चाहिए उनके लिए ऑब्जेक्शन ली जब मैं जाता हूं इवनिंग न्यूज मैनचेस्टर को देखता हूं इसके पहले एक कोटेशन था जो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया उस कोटेशन में मैं पहले ये कहता हूं उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है

सेवें लंडन में किया और इलेवेंथ जुलाई बॉम्बे में किया लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ हत्या की उसके साथ साथ उसी साथ में हमें उन लोगों को कंडेम करना चाहिए जो लोगों ने हजारों बेगुनाह का कत्ल किया अफगानिस्तान इराक और लेबनान में इस बात पे ऐसा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ यूके गवर्नमेंट से क्या उनका मतलब ये है कि अगर एक ब्रिटिशर की जान लेते तो वो गलत है अगर एक बेगुना अफगानी की जान लेते तो वो गलत नहीं है, तो क्या क्या है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जान लेंगे तो गलत है लेकिन बेगुना अफगानी इराकी और लेबन में किसी की जान लेंगे तो वो सही है क्या मैसेज देना चाहते हैं इसे उन्हें डर है क्योंकि मैं अमन का पैगाम सब जगह फैलाता हूँ उन्हें डर है कि मैं अमन का पैगाम इतना ना फैलाऊं चाहे उनका पोल खुल जाए